यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध जारी है। 50 दिनों से ज्यादा समय हो गए हैं और रूस के हमले हो रहे हैं। इसी बीच रूस का युद्धपोत मोस्कवा डूब गया, जिसके बाद रूस के सरकारी टीवी ने तीसरे विश्व युद्ध के शुरू होने की घोषणा की। रूस का दावा था कि उनका युद्धपोत मोस्कवा आग लगने के कारण काला सागर में डूबा है। यूक्रेन का कहना है कि उसने नेपच्यून मिसाइल से रूस के युद्धपोत को नष्ट किया है। इसके पहले खबर आई थी कि यूक्रेन से युद्ध के बीच काला सागर में रूस का मिसाइल क्रूजर तबाह हो गया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने अपनी घोषणा में माना था कि मिसाइल क्रूजर मोस्कवा यूक्रेन में सैन्य अभियान के दौरान क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके बाद युद्धपोत काला सागर में डूब गया। उसके क्रू मेंबर्स को सुरक्षित निकाल लिया गया है। विस्फोट में मिसाइल क्रूजर मोस्कवा को काफी नुकसान पहुंचने की बात कही गई थी। पहले रूस ने दावा किया था कि आग पर काबू पा लिया गया है। रूस ने इसकी तस्दीक भी की थी कि आग लगने के कारणों की जांच की जाएगी। अगर मोस्कवा युद्धपोत की बात करें तो इसकी लंबाई 600 फीट थी। इसे 1979 में रूसी नौसेना में शामिल किया गया था। इस पर 500 सैनिक तैनात रहते थे। इस पर S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी तैनात किया गया था। इस युद्धपोत से रूस की प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी। इसके नष्ट होने से रूस को यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में बहुत बड़ा झटका लगा है। विशेषज्ञों की माने तो रूस अब यूक्रेन पर और तीखा हमला कर सकता है। रूस ने 24 फरवरी से यूक्रेन पर हमले शुरू किए थे। शुरुआत में मोस्कवा ने 13 यूक्रेनी सैनिकों को मौत के घाट उतारा था। इसकी दुनिया भर में चर्चा हुई थी। इसी बीच यूक्रेन की तरफ से दावा किया गया कि उसने रूस के विध्वंसक मोस्कवा को नष्ट कर दिया है। इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।